हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायोगुरु। और बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं एनटीए का टेस्ट पेपर 16 और उसके बायोलॉजी का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। आज मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग डिफरेंट मैनर में कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मेरी इस तरह से जो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग की है बिना पीपीटी बनाए मैंने आप लोगों को जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या ये आप लोगों के लिए ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसमें चेंजेस चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि पुराने तरह से ही जैसे मैं पीपीटी पे पहले क्वेश्चंस करके और फिर आपको बताती थी वैसे अगर चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपके लिए वापस वैसे ही क्वेश्चंस बनाऊंगी। तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एनटीए का पेपर 16 है। तो मैं इसे ओपन करती हूँ और सबसे पहले तो मुझे अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे करना होगा। आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग अटेम्प्ट करते होंगे, तो ये चीज़ आप लोगों को भी करनी होती होगी। तो यस, मैंने अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दिया है और उसके बाद मैं अब वापस बैग जा रही हूँ और अब मैं क्वेश्चन पेपर खुलेगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन पेपर खुल रहा है, सब कुछ आपके सामने ही लाइव हो रहा है बच्चों। एक्चुअली आज मैं बाहर थी तो मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं था, तो मेरे पास यहाँ पे टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन पे ही रिकॉर्डिंग करके आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देती हूँ। तो हो सके नॉर्मल के मुकाबले मैं आप लोगों को उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँ जितना मैं आपको वैसे देती थी मैं, तो इसलिए आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। अगर आपको ये नहीं तरीका पसंद आएगा तो मैं वापस से उसी जैसे पहले आपको देती थी वैसे ही प्रोवाइड करूँगी। तो अब स्क्रीन पर आपके सामने फिज़िक्स का पेपर है और ये देखिए मैंने बायोलॉजी का खोल दिया है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यस, ये कुछ कुछ लाइव की तरह ही जा रहा है वीडियो, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द लाइव वन। यस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज गिवन बाई अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड एडवर्ड विल्सन एंड डेविड टिलमैन एंड पॉल एरलिक। तो यहाँ जो बच्चों है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था। तो ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है और एक ये सोशियो बायोलॉजिस्ट ने दिया था, कोई जो थे टिपिकल बायोलॉजिस्ट नहीं थे, दैट इज़ द सोशियो बायोलॉजिस्ट। और ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज़ द एडवर्ड विल्सन हेयर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेलीज एंड फोम्स आर यूज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू एनहेंस इट्स एफिशियंसी। कल भी ये चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में था। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस हैं वॉल्ट्स, वसेक्टोमी, कोइटस इंटरप्ट्स या फिर आईयूडीज। तो आपके जितने भी डायफ्राम्स हो गए, सर्वाइकल कैप्स हो गए, वॉल्ट्स हो गए, ये बैरियर्स ऐसे होते हैं जो किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं, एंड दैट आर इंसर्टेड एक्चुअली टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not obtained by the process of distillation? तो wine, whiskey, brandy या फिर rum? तो यहाँ पे आपका जो wine है बच्चों वो correct option होगा। Simple सा question है, सभी को आना चाहिए ये question। Next question क्या है, Translocation of food in plants was demonstrated by girdling experiment, mass flow hypothesis, root pressure hypothesis या फिर cohesion tension theory? तो जो बच्चों आपका गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है, इसमें जो है टिश्यू को आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू विच फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड, आपका किधर रूट्स की डायरेक्शन में डाउनवर्ड होता है ना, तो ये चीज़ आपको पता होगी। ओके, सो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्टडी द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट। तो पॉपुलेशन पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, बी है आपका कम्युनिटी, असेंबलेज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज अकरिंग इन एन एरिया, इको सिस्टम ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, एंड इकोस्फेयर तो इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स। और फिफ्थ में एक पॉइंट और दे रखा है आपको, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो बेसिकली आपकी इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न्ड, आपके पास में कितने लेवल्स होते हैं उसमें, एक होता है ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटीज़, फिर इकोसिस्टम, और फिर उसके बाद में आपका लास्ट में आता है बायोम्स। तो यहाँ पे आप जब अगर बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया। तो कहीं पर आपको इस टाइप का
आ रहा है ऑप्शन, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ यस थर्ड वाला पॉइंट देखिए बच्चों, दैट इज़ ग्रुप ऑफ सिमिलर बिलोंगिंग्स टू द सेम स्पीशीज इज फाउंड इन एन एरिया। तो उस हिसाब से आपका ए का कौन सा होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो देखिए ए का थर्ड में आपके पास में कौन सा ऑप्शन है, यस डी ऑप्शन देखिए यहाँ पे है ए का थर्ड। फिर बाकी बी कम्युनिटी क्या होती है बच्चों, कम्युनिटी जो होती है एक असेंबली होती है टू ऑफ इंटर डिपेंडेंट और इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन जो डिफरेंट स्पीशीज की होती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेजेंट होती हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना बी का, आप देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए आप, असेंबलेज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज अकरिंग इन एन एरिया। तो बी का आपको दिख गया सेकंड ऑप्शन है, तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आपका जो डी ऑप्शन है बच्चों ये करेक्ट होगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑयस्ट्रस साइकिल इज सीन इन डॉग्स, एप्स, टाइगर या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको पता होगा कि ये एनिमल्स में ही ऑयस्ट्रस साइकिल पाई जाती है और इसकी ड्यूरेशन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह नहीं होती है, उनके कंपैरेटिवली ये काफ़ी शॉर्ट साइकिल होती है। तो यहाँ पे आपके देखिए बहुत सारे आपके एग्जांपल्स जो दे रखे हैं वो एनिमल्स के ही दे रखे हैं, डॉग्स, एप्स, टाइगर या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा, दैट मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुझे लगता है कि इस तरीके से हम ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे कम टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ह्यूगो डी व्रीज डिस्क्राइब्स हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन, ह्यूगो डी व्रीज की बात कर रहा है और उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं स्वीट पी, फ्रूट फ्लाई, इवनिंग प्रिमरोज एंड गार्डन पी। तो ह्यूगो डी व्रीज ने जो अपनी म्यूटेशन थ्योरी दी थी बच्चों ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, वो वर्क किया था उन्होंने आपके प्रिमरोज पे ही वर्क किया हुआ था, इवनिंग प्रिमरोज पे किया था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओके सो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है इवनिंग प्रिमरोज वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन स्ट्रैंड ऑफ द गिवन सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड्स फॉर एमआरएनए हैविंग द सीक्वेंस ए यू सी, जी सी जी, यू सी ए एंड नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। द स्ट्रैंड बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव एमआरएनए सीक्वेंस। ओके, द स्ट्रैंड बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव एमआरएनए सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो एमआरएनए सीक्वेंस कह रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, वो आपसे वो डीएनए सीक्वेंस पूछ रहा है जिसके जो आपके इस पर्टिकुलर एमआरएनए के सिंथेसाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देख सकते हो कि इस सीक्वेंस में आपको ए यू सी दिख रहा है ना, तो यूरेसिल जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, थाइमिन आना चाहिए ना वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज एक्चुअली डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, दैट ए टी सी, जी सी जी एंड टी सी ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, दैट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स कुड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाई जैन इंजनहाउस एंड रॉबर्ट मेयर, मेलविन कैल्विन या फिर ब्लैक मैन। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए वैस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव, एपिथीलियल, मस्कुलर एंड नर्वस। तो बच्चों एपिथीलियल टिश्यू लैक्स ब्लड वेसल्स एंड हेंस इज एन ए वैस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे आपका बी जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चीफ पॉलिनेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर बटरफ्लाइज, बीज, मॉथ्स एंड बीटल्स। तो यहाँ पे आपके चीफ पॉलिनेटर्स अगर एग्रीकल्चर क्रॉप की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बीज आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स इनमें जो होते हैं वो बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, बीटल्स होते हैं, वैस्प्स होते हैं, एंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स होते हैं एंड बैट्स होते हैं। दे आर द मेन कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट और इन सब में जो सबसे ज़्यादा अगर है तो वो बीज की बात होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है लेकिन उसके ऑप्शंस आपके पास में अलग थे, दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोराइजा फंजाई।
तो यहाँ पे आपको पता है ना कि बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं उसमें माइक्रोब्स भी होते हैं जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट को, उनमें किसकी सप्लाई बढ़ा करके, उनके जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी सप्लाई को बढ़ा करके। एंड इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड माइकोराइजा, फंजाई आपके आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाएगी यानी कि साइनोबैक्टीरिया भी आ जाएंगे और आपके अदर बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा बच्चों ये मोस्ट करेक्ट होगा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज शुगर एंड इट इज कन्वर्टेड इंटू स्टार्च इन ऑल प्लांट्स, इंटू प्रोटीन्स, इंटू वाइटमिन्स, रेयरली इंटू एनीथिंग एल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सबको पता चल गया होगा बच्चों कि ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है सारे प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वायरस दैट क्रिएटेड अ स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंजम्पशन इज HPV, हेपेटाइटिस वायरस, बर्ड फ्लू वायरस एंड हर्पीस वायरस। तो चिकन से अभी आपको थोड़े टाइम पहले ही ये वायरस आया था, तो दैट इज द एक्चुअली बर्ड फ्लू वायरस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बर्ड फ्लू। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लगता है कि इसका ये आंसर सही नहीं है बच्चों, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के आंसर को दोबारा चेक करके और फिर आपको रिप्लाई करूंगी। हो सकता है रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट रिप्लाई जरूर आएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म पायरुवेट, NADP, DPN, ATP। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह रहा है और इसमें ATP बनता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका ATP ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू दिस O2। तो ऑप्शंस क्या है, हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर O2 टू द एपिथेलियल टिश्यू, इट इज इनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट 96% एंड रेज द PCO2 ऑफ ब्लड टू 75 mm ऑफ HG एंड एक्ट्स एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि लार्ज पोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट अपटेक ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड दिस O2 एक्ट्स एज अ रिजर्व फॉर फॉर विच फंक्शन, दैट इज फॉर द मस्कुलर एक्सरसाइज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन खुल गया है। ओके नेक्स्ट है आपका, इन प्लांट्स डैश पोटेंशियल इन द वॉटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वॉटर ट्रांसपोर्ट अप अ स्टेम, पॉजिटिव प्रेशर, निगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव वाटर एंड निगेटिव वाटर। तो प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो जनरली तो बच्चों पॉजिटिव ही होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में तो निगेटिव पोटेंशियल या फिर आप कह सकते हैं इसको टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप अ स्टेम, क्योंकि आप देखते हैं ना कि जाइलम से वो नीचे से आकर के पानी कहाँ ऊपर जा रहा होता है स्टेम में, तो यहाँ पे आपका निगेटिव प्रेशर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेन इज स्पर्म्स, सेक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसाइकल्स या फिर सेक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड जो या फिर ऑल द अबव। तो जो आपका सीमेन होता है उसमें ये सारी ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज एक्चुअली मिल्की विस्कस और अल्कलाइन फ्लूड होता है। ओके और आई थिंक आपको इसमें बाकी आपने जब इसका चैप्टर रिवीजन किया होगा तो उस टाइम पे आपने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा कि ये जो 2.5 से लेकर के अराउंड 4.5 ml तक जो होता है वन टाइम में जो क्वांटिटी होती है उसमें अराउंड 200 to 300 million स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ बोन्स इन द ईयर ऑसिकल्स ऑफ अ मैमल स्टार्टिंग फ्रॉम द टिम्पैनम इनवर्ड्स। ओके, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, मैलियस, स्टेप्स, इनकस एंड इनकस, मैलियस, स्टेप्स एंड स्टेप्स, इनकस, मैलियस। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जो मिडिल ईयर होता है उसमें 3 ऑसिकल्स होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, मैलियस कहा जाता है, इनकस कहा जाता है एंड स्टेप्स कहा जाता है। तो उस हिसाब से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन, कैटाबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस एंड लीचिंग या फिर मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे जो आपका पूछ रहा है वो प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन के स्टेप्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ही होगा सबसे पहले, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन होगा और उसके बाद में आपकी लीचिंग की प्रोसेस होगी। और लीचिंग में क्या होता है, एक्चुअल में जो पार्ट होता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का प्रेजेंट होता है उन फ्रेगमेंटेड और डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिटेड डेट्रिटस में,
वो आपका डाउन इनटू द सॉइल होराइजन बाय परकोलेटिंग वाटर एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। तो ये होता है, तो उस हिसाब से आपका सबसे पहले तो हो गया फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस यानी कि सी, फिर उसके बाद में आपकी आएगी लीचिंग यानी कि सी के बाद आएगा डी। तो आपको ऑप्शन दिख गया होगा, सी ऑप्शन में ही ऐसा प्रेजेंट है। उसके बाद में कह रहा है कि बी यानी कि फिर उसके बाद में कैटाबॉलिज्म होगी और आफ्टर दैट ह्यूमिफिकेशन होगा और फिर लास्ट में आपके जो सबसे आएगा वो बच्चों मिनरलाइजेशन आएगा। तो ये करेक्ट इसके स्टेप्स हैं, तो उस हिसाब से आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका मोस्ट करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कर्व गिवन बिलो शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी विद अ रिलेशन टू थ्री कंडीशंस, पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड वॉट डज द टू एक्सेस एक्स एंड वाई प्रेजेंट। ये वाई एक्सेस हो गई और दूसरी हो गई आपकी एक्स एक्सेस हो गई। तो पूछ रहा है कि एक्स एक्सेस में क्या है और वाई एक्सेस में क्या है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको ये ग्राफ अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो बच्चे आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं कि एक्स एक्सेस जो होती है वो आपकी टेम्परेचर को शो करती है और जो वाई एक्सेस होती है बच्चों वो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को शो करती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो बी ऑप्शन कह रहा है एक्स एक्सेस टेम्परेचर एंड वाई एक्सेस एंजाइम एक्टिविटी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, टू सेल्स ए एंड बी आर कॉन्टिग्युअस, सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक एंड टर्गर प्रेशर 7 एटमॉस्फेरिक एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 3 एटमॉस्फेयर एंड सेल बी हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 8 एटमॉस्फेरिक एंड टर्गर प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 5 एटीएम। द रिजल्ट विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू एंड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी एंड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल बी टू ए। तो जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है बच्चों, दैट इज द रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सिस्टम ओवर इट्स प्योर स्टेट। और इसको किससे दिया जाता है बच्चों, दैट इज डीपीडी इक्वल क्या होता है, ओपी माइनस डब्ल्यूपी। और डीपीडी जो होता है वो डिटरमाइन करता है आपकी डायरेक्शन ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर को, वो डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है एंड इट इज ऑलवेज फ्रॉम एन एरिया और सेल ऑफ लोअर डीपीडी टू द एरिया और सेल ऑफ हायर डीपीडी, यानी कि लोअर डीपीडी वाले एरिया से आपके सेल के हायर डीपीडी वाली एरिया के लिए कह रहा है। सो सेल ए हैविंग लोअर डीपीडी, आप देखिए सेल ए का जो डीपीडी है वो आपका क्या है, लोअर है जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, और जब आप उसका दूसरी वाली सेल बी का निकालेंगे तो उसका हायर आएगा। तो वाटर जो मूव करेगा वो आपका सेल ए से बी की तरफ मूव करेगा। तो यानी कि आपका जो सी ऑप्शन दे रहा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी, सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया टेंड्स टू फॉलो अ सिग्मॉइड कर्व एज इन केस ऑफ मैनी अदर एनिमल स्पीशीजेस एंड टेंड्स टू रीच अ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एज इन केस ऑफ सम एनिमल स्पीशीजेस एंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय परमिटिंग नेचुरल कमिटीज एंड इन्फोर्सिंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स एंड कैन बी रेगुलेटेड बाय फॉलोइंग द नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया कह रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो बी ऑप्शन है टेंड्स टू रीच अ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एज इन केस ऑफ सम एनिमल स्पीशीज, नहीं, डी ऑप्शन है कैन बी रेगुलेटेड बाय फॉलोइंग द नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए डी ऑप्शन में टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। म्यूल इज अ क्रॉस ब्रीड बिटवीन, कल भी आया था इसका क्वेश्चन, कल या परसों के पेपर में आया था। तो इसमें जो आपका मैंने आंसर बताया था दैट इज़ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, मेल म्यूल एंड फीमेल हॉर्स एंड नन ऑफ दीज। तो मेल म्यूल जो होता है बच्चों वो ऑफस्प्रिंग होता है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का। तो मेल डोंकी आपका ये हो गया ये ऑप्शन में और फीमेल हॉर्स हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन ह्यूमन फीटस द हार्ट बिगिंस टू बीट एट डेवलपमेंट एज। तो किस डेवलपमेंट की एज में आपका जो हार्ट है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ द फोर्थ एंड फिफ्थ वीक में स्टार्ट होता है। आई थिंक ये सबको पता होगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड में तो हो नहीं सकता, जिन्हें नहीं भी पता हो अगर वो कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भी हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड वीक में नहीं हो सकता, सिक्स सेवन्थ और एट नाइन्थ वीक काफ़ी लेट हो जा रहे हैं। तो स्टार्ट जो बीच का आपका आ रहा है आंसर दैट इज़ द फोर्थ वीक एंड फिफ्थ वीक आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, टर्शरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड स्लज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आपका जो होगा क्या कह रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो सबसे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना उसी में आपकी ये फिल्ट्रेशन की और सेडिमेंटेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बच्चों उसमें हम इसको आगे चल करके माइक्रोब से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो
ऑप्शन सी है, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, वो आपका करेक्ट होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दैट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक एड्स. तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास में, की इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नोन एज कपलेट एंड देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम शीट्स एंड फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया एंड मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन. तो बच्चों बी ऑप्शन आप देखिए, दैट देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम शीट. क्या ये स्टेटमेंट सही है आपका टैक्सोनॉमिक एड को लेकर के? नहीं सही है ना बच्चों, क्योंकि है ऐसा अरेंजमेंट, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली टेक्स प्लेस इन हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल द अबव. तो दैट इज द लोअर एनिमल्स. अब जो पेपर आ रहे हैं ना आपके, ये मॉक टेस्ट पेपर, ये बहुत ही नॉर्मल लेवल के आ रहे हैं, कोई भी टफ नहीं आ रहे हैं. और अगर आप किसी बच्चे को टफ लग रहे हैं तो उसको वाकई अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है. क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीटनोगैमी डज नॉट अकर इन. ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि डज नॉट अकर इन. तो गीटनोगैमी पे एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्योंकि ये वो टेक्निक होती है पॉलिनेशन की जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. और तो यहाँ पे आपका जो डायसियस प्लांट्स होते हैं, दे हैव अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड हैंस दीज प्लांट्स नीदर एग्जिबिट ऑटोगैमी या फिर गीटनोगैमी. तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमंस द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड फीकस आर टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम, कोलम, सीकम एंड क्लोएका. तो यहाँ आपका रेक्टम जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, नहीं काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मीजोजोम्स, इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमली. इट हेल्प्स इन सेल वॉल सेक्रीशन, सेल रिस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन. इट इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया ऑफ द सेल वॉल एंड एंजाइमेटिक कंटेंट एंड इट कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू. तो पहला स्टेटमेंट है, इट मे बी प्रेजेंट फ्रॉम द वेसाइकल, ट्यूबुल्स एंड लैमेली. करेक्ट है बच्चों ये स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट हेल्प्स इन सेल वॉल सेक्रीशन एंड सेल रिस्पायरेशन. यस, मीजोजोम होता है. एंड डीएनए रेप्लिकेशन में भी एंड सेल डिवीजन में भी. तो ये बी ऑप्शन भी आपका, बी स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है. एंड उसके बाद में आपका क्या कह रहा है कि सी वाला, इट इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया ऑफ द सेल वॉल एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. नहीं, ऐसा तो नहीं करता है. डी कह रहा है इट कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. यस, जब ऊपर वाले सारे फंक्शन कर रहा है तो यानी कि इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. जो एक्चुअल में मीजोजोम्स क्या होते हैं, ये बच्चों एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. ओके, तो यहाँ पे जो आपका ए बी और डी पॉइंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो आपका ए बी डी सी पॉइंट में, आपको देखिए सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट ड्यूरिंग जेड स्कीम मस्ट बी रिप्लेस्ड. दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड एनएडीपी आयन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड एनएडीपीएच बाय एटीपी एंड फोटोसिस्टम सेकंड एंड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोसिस्टम सेकंड. तो ये जो डी ऑप्शन है आपका, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो बच्चों करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेनिन एक्ट्स ऑन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन बेसिक पीएच, प्रोटीन्स इन स्टमक एंड फैट इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन एसिडिक पीएच. तो यहाँ पे आपका देखिए, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन बेसिक पीएच एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन एसिडिक पीएच. तो रेनिंग एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपके मिल्क प्रोटीन कैसीन में काम करता है. तो यहाँ पे बीच के दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, और ये काम करता है आपका एसिडिक पीएच पे काम करता है बच्चों. तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, दैट डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन एसिडिक पीएच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्यूनिटी एसोसिएटेड विद मेमोरी इज कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. तो यहाँ पे आपकी कह रहा है कि मेमोरी के साथ में, तो दैट इज एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन ईसीजी द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव. भाई ईसीजी का डायग्राम जरूर याद कर लेना बच्चों अच्छे से, ताकि आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि डेली ही ये क्वेश्चन आपको ईसीजी से मिल रहा है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कह रहा है, तो पी वेव से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, द पेशेंट हैज़ बीन इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर कंटेनिंग यूजुअली हाई कंटेंट ऑफ.
किसका हाई कंटेंट होगा इसमें? कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कह रहा है ना, इस पर कल भी क्वेश्चन एक था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका कंटेंट हाई होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, कॉपर। तो यहाँ पे क्लोरोसिस कह रहा है, तो मैग्नीशियम जो है वो कंपोनेंट किसका होता है बच्चों? क्लोरोफिल में होता है ना, उसका स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा बीच में उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी दिखाया है। और ये एक इंपॉर्टेंट बाइंडिंग सब्सटेंस होता है राइबोसोमल सब यूनिट्स का, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों? इंटरवीनियल क्लोरोसिस हो जाती है, जो डेवलपमेंट ऑफ एंथोसाइनिन एंड डिप्रेशन ऑफ इंटरनल फ्लोएम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड इन लैग फेज, लॉग फेज, प्लेट्यू फेज एंड फर्स्ट फेज। तो लॉग फेज इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इसको ही एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग टिश्यू दैट अपीयर्स टू बी मल्टी लेयर्ड बट एक्चुअली सम ऑफ द सेल्स एक्सटेंड फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द सर्फेस इज। ऑप्शन है सिंपल कॉलमनर एपिथिलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथिलियम एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथिलियम। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम इज करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलेक्शन ऑफ लिटरेचर अबाउट डीएनए, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एक्सट्रैक्टिंग डीएनए, अ कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड अ कलेक्शन ऑफ जीन वैक्टर्स। पूछ कह रहा है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी का मीन्स पूछ रहा है, तो ये टोटल जीनोमिक डीएनए का कलेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे आपका देखिए बी नहीं आपका सी, क्योंकि सी ऑप्शन में ही वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कह रहा है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मुझे तो ये तरीका काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत टाइम सेविंग है, और आपको पेपर अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो मैं बहुत जल्दी ही आपको इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती हूँ। और बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बना करके अलग वीडियो में प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ये तरीका आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों की ये वीडियो हेल्प करें तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों के पास में जल्द से जल्द सोल्यूशन पहुँच सके। ओके गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, मिथेनोजेंस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया या फिर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? मिथेनोजेंस करेक्ट ऑप्शन होगा, सबको मिल गया होगा ये। नेक्स्ट है इंडोथीसियम एंड टैपेटम इन एंथर आर डिराइव्ड फ्रॉम, टैपेटम पे कल भी एक क्वेश्चन था, प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर, प्राइमरी पेराइटल लेयर, बोथ प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर एंड प्राइमरी पेराइटल लेयर एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा, दैट इज प्राइमरी पेराइटल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन यूकैरियोट्स द एंटी कोडॉन ऑफ टी आर एन ए दैट पेयर्स विद द स्टार्ट कोडॉन ऑफ एम आर एन ए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज UAA, UCA, UAC एंड UUU। तो इन यूकैरियोट्स इनिशियल कोडॉन जो होता है mRNA में वो क्या होता है? AUG होता है। एंड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन यानी कि tRNA एंटीकोडॉन्स आर एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA, हेंस एंटीकोडॉन विल बी UAC। तो AUG का आप बना सकते हैं ना, UAC हो जाएगा आपको। A आपका किससे बाइंड करेगा? आपका U से बाइंड करेगा, क्योंकि RNA की बात हो रही ना या mRNA, तो वहाँ पे थाइमिन आएगा नहीं, यूरेसिल आएगा। और आपका जो बीच में U है AUG में U, तो वो आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे A आ जाएगा, और जो आपका G है उसके साथ में C आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे बच्चों C ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट करेक्ट होगा। मोस्ट करेक्ट क्या, वो ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सिंगल प्रोसेस ऑफ द क्रेब साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस इन डैश स्टेप्स। तो कितने स्टेप्स में होता है डीकार्बोक्सिलेशन बच्चों? एक तो ऑक्सेलो सक्सिनेट से आपका बनता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट प्लस CO2। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन ही तो होता है ना, और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में? ऑक्सेलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सीलेज होता है। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, आधा पेपर बायो का सॉल्व हो चुका है। इन नाइट्रोजन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइजोपस, नाइट्रोबैक्टर, म्यूकर या फिर कैल्विसेप्स? तो यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का क्वेश्चन है, ओफो, तो ये तो जिसने पढ़ा होगा उनको ये आंसर देखते ही आ जाना चाहिए। द ग्राफ शोज टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ए एक्सपोनेंशियल एंड बी लॉजिस्टिक। ए जो है वो आपका, ए वाला जो है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये आपका होगा एक्सपोनेंशियल, और डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, तो ये आपका हो जाएगा लॉजिस्टिक। ओके, पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स मॉडल इज कंसिडर्ड टू बी मोर रियलिस्टिक वन? ऑब्वियसली
बी वाला जो होगा वो होगा दैट इज लॉजिस्टिक कर्व इज द मोर रियलिस्टिक वन. क्या ए वाले जैसा कर्व आता है आपका, कभी देखा है आपने ग्रोथ कर्व ऐसा होता है क्या? नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हम आ गए. द टेक्निक कॉल्ड गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर GIFT इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, हु कैन नॉट रिटेन द फिटस इनसाइड यूट्रस एंड whose सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज फॉर द स्पर्म्स एंड हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स? लैक्टोबैसिलस नॉस्टॉक कारा नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस सैक्रोमाइसिस ट्रिपैनोसोमा पोरफायरा एंड वोल्फिया. तो इनमें से कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप हैं? तो ऑटोट्रॉप का मतलब तो आपको पता ही है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि अपने ऑर्गेनिक मटेरियल का खुद वो फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन करने के लिए दो टाइप की प्रोसेस आएंगी आपकी, एक होगी कीमोसिंथेसिस और दूसरी होगी फोटोसिंथेसिस. सो बच्चों यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं ऑर्गेनिज्म में, तो उनमें आपके नाइट्रोसोमोनास और जो नाइट्रोबैक्टर हैं बच्चों, ये आपके कीमो ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया हैं. जो फोटोसिंथेटिक में आते हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे बच्चों? दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी. क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो इसमें जो आपके आ जाएंगे, एक तो कारा आ जाएगा आपका इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ग्रीन एल्गी होती है और ग्रीन एल्गा होता है और यानी कि, और इसके अलावा जो आपका पोरफायरा है वो आपका रेड एल्गा आ जाएगा. और इसके अलावा जो आपका पोरफायरा के बगल में ही दिख रहा है वोल्फिया आपका, तो वोल्फिया भी इसी में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये ए वोल्फिया तो पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक होता है एंड इसके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे जो 6 ऑप्शंस हैं वो आपके करेक्ट होंगे. नॉनस्टॉक कारा नाइट्रोसोमोना नाइट्रोबैक्टर पोरफायरा वोल्फिया. ओके, तो 6 आंसर्स आर करेक्ट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन इन द वर्टिब्रेट्स जनरली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लूप, लेंथ ऑफ हेनलेज लूप एंड एरिया ऑफ बोमेंस कैप्सूल एपिथीलियम एंड कैपिलरी नेटवर्क फॉर्मिंग ऑफ अर्थ वॉर्म. तो यहाँ पे हेनले लूप पे डिपेंड करता है ये चीज़, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निकोटीन कॉजेज हेल्यूसिनेशन एंड हीरोइन इज अ डाई एसिटिल मॉर्फिन एंड हैशिस हैज स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी एंड कोकेन इज अ ओपियोइड ड्रग. तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द कॉन्टिन्यूस अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर स्ट्रीम इन टॉल ट्रीज इज मेंटेन्ड ड्यू टू गटेशन एंड ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन पुल ओनली, कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली एंड कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपायरेशन पुल. तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन मैमल्स एंड बर्ड्स फिशेज एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉग्स एंड टोड्स. तो यहाँ पे आपका जो यूरिकोटेलिज्म है उसमें आपके बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, जहाँ भी पानी की कमी वाली आएंगे वो ही इसके अंडर में होंगे. तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पैन. तो एलिफेंट, एलिफेंट का कितना होता है बच्चों आप बताइए? बहुत ही लंबा लाइफ स्पैन होता है ना, आप सभी को पता होगा ये. तो यहाँ पे फर्स्ट का सबसे लंबा लाइफ स्पैन किसका दिख रहा है? 60 to 90 ईयर्स दिख रहा है ना, तो यानी कि फर्स्ट का डी. तो फर्स्ट का डी हो गया. फ्रूट फ्लाई जो होता है बच्चों आपका, फ्रूट फ्लाई का जो होता है लाइफ स्पैन वो 2 to 3 मंथ के अराउंड होता है. तो यहाँ पे देखिए सेकंड का हो जाएगा आपका ए. और राइस प्लांट जो होता है बच्चों, इसका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ अराउंड 4 to 5 मंथ के अप्रॉक्स होता है. तो यहाँ पे उसका हो जाना चाहिए आपका 3 का बी. एंड जो बटरफ्लाई हो गई बच्चों, उसका जो हो जाएगा लेस देन 1 मंथ हो जाएगा उसका, यानी कि तो फोर्थ का सी हो जाएगा. तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, ओके, एंड थर्ड का आपका क्या था? सी नहीं था, थर्ड का आपका था बी, 4 to 5 मंथ्स था. तो यस, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूटेड टू जिब्रेलिन्स इज शॉर्टनिंग ऑफ जेनेटिकली टॉल प्लांट्स, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डार्फ प्लांट्स एंड प्रमोशन ऑफ रूटिंग येलोइंग ऑफ यंग लीव्स. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डार्फ प्लांट. थोड़ा फास्ट और करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्टर्स हैज बीन यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इन इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स?
मेलियोडोगाइनी इनकॉग्निटा बैसिलस थुरिजेनियासिस एंड डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस एंड टीआई प्लाज्मिट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि देखिए स्पेसिफिक जीन्स और टोबैको प्लांट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका टीआई प्लाज्मिट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, क्योंकि इसी में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉन सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ अ माइलिनेटेड न्यूरॉन। कहाँ प्रेजेंट होती हैं बच्चों, डेंड्राइड्स में, एक्सॉन हिलॉक या एक्सॉन या सोमा या फिर बॉडी, सोमा बॉडी में। तो यहाँ पे आपका एक्सॉन करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अपोजिट फाइलोटैक्सी इज एलिस्टोनिया एंड कैलोट्रोपिस, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर एंड चाइना रोज एंड गुआवा। तो दिस इज द एक्चुअली अल्टरनेट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन एन अल्टरनेट मैनर, जैसे कि चाइना रोज में हो गया, मस्टर्ड में हो गया, सम और सनफ्लावर प्लांट में हो गया, और इन द अपोजिट टाइप में क्या हो गया, अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा में होता है। तो यहाँ पे इफ मोर देन टू लीव अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ होल देन इट इज कॉल्ड होल्ड एज इन एलिस्टोनिया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ अपोजिट फाइलोटैक्सी में आपके कौन से आ जाएंगे, गुआवा और कैलोट्रोपिस आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डेप्लीशन, क्वेटो प्रोटोकॉल ओजोन डेप्लीशन, रामसर कन्वेंशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड बेसल कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन, ये करेक्ट है आंसर। जिसने पढ़े होंगे प्रोटोकॉल उनको आंसर समझ में आ गया होगा। मैच द माइक्रोब्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द गिवन कॉलम्स, क्लॉस्ट्रिडियम, तो क्लॉस्ट्रिडियम को आपको मैच करना है उनके माइक्रोब्स रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट से मैच करना है। ओके तो जो बच्चों क्लॉस्ट्रिडियम है वो आपका क्या, स्टेटिन का साइक्लोस्पोरिन सिट्रिक एसिड नहीं, ब्यूटायरिक एसिड आपका करेगा, तो ए का फोर्थ होगा। फिर एस्परजिलस जो है आपका, एस्परजिलस क्या इसका प्रोडक्ट में आएगा, दैट इज स्टेटिन साइक्लोस्पोरिन या फिर सिट्रिक एसिड, बताइए कौन सा आ सकता है, दैट इज सिट्रिक एसिड होगा बच्चों, बी का थर्ड होगा। फिर उसके बाद में ट्राइकोडर्मा है आपका सी, तो सी का आपका आ जाएगा इसमें साइक्लोस्पोरिन आ जाएगा, और मोनाकिस का आपका स्टेटिन्स बचता है। तो उस हिसाब से आपका जो ए ऑप्शन दिख रहा है बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम एडीपी व्हेन प्रोटॉन्स अचायन मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकोइड ल्यूमेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकोइड ल्यूमेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूव फ्रॉम थैलेकोइड ल्यूमेन टू स्ट्रोमा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड मूव फ्रॉम थैलेकोइड ल्यूमेन टू स्ट्रोमा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है मूव फ्रॉम थैलेकोइड ल्यूमेन टू स्ट्रोमा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज इन विच बोथ द क्रोमोजोम एंड डीएनए कंटेंट बिकम्स हाफ इज एनाफेज, एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हाफ है, कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो इस वैसे ही ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट आपका जो है वो बच्चों करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ड्यूरिंग एनाफेज जो होता है वो आपके फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो रिमेन एसोसिएटेड होते हैं सेंट्रोमियर से। ठीक, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटनी आइज कंपाउंड एंड सिंपल स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फाइलम, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा। ऑर्थोपोडा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ द क्लास एंड सम ऑफ इट्स मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स, साइक्लोस्टोमेटा, डिवीजन, एग्नेथा, 15 pairs ऑफ गिल स्लिट्स, एंडोस्केलेटन, बोनी, एग्जाम्पल आपका मैगजीन हो गया। दूसरा आपका क्या कह रहा है, रेप्टिलिया, तो डिवीजन आपका क्या हो गया, ग्नैथोस्टोमेटा, एपिडर्मल स्कूट्स, इंडोस्केल्टन बॉडी, और एग्जाम्पल आपका हेमीडेक्टाइलस हो गया। ओके फिर उसके बाद में है आपका एम्फीबिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लोएका एज अ कॉमन ओपनिंग फॉर द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्सोस्केल्टन, बोनी, एग्जाम्पल हाइला, और डी में दे रखा है कॉन्ड्रिश थाई, सुपर क्लास स्पीशीजेज एंड गिल स्लिट्स विदाउट ओपरकुलम, एक्सोस्केल्टन, कार्टिलेजिनस, एग्जाम्पल हो गया कारकैरोडॉन। तो यहाँ बी ऑप्शन रेप्टिलिया वाला जो है वो सारा सब कुछ सही दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एक्वाटिक प्लांट्स लाइक इकॉर्निया, यानी कि वाटर हाइकिन भी इसको कहते हैं, इस कॉल्ड स्टोलन ऑफसेट प्रॉप रूट एंड बल्ब, तो ऑफसेट होगा यहाँ पे। एक मैंने क्वेश्चन में ये डायग्राम के साथ में समझाया था आपको, किसी पुराने पेपर में आया हुआ है, शायद सेकंड लास्ट पेपर में आया हुआ है,
तो यहाँ पे ऑफसेट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑफसेट जो होते हैं बच्चों ये डेवलप होते हैं फ्रॉम बिलो अ टफ्ट और रोजेट ऑफ लीव्स, ग्रो फॉर सम टाइम्स एंड बियर्स अ न्यू टफ्ट और रोजेट ऑफ लीव्स एट इट्स टिप, एग्जाम्पल आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथायलिन, तो यहाँ जिंक जो है वो आपके ऑक्सिन के लिए जरूरी है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनको जिंक आयंस कैसे मिलते हैं, एंड इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम स्पेशली जो आपके कार्बोक्सिलेज होते हैं। कल मैंने एक आपको जो अभी 15 वाला पेपर सॉल्व कराया उसमें मैंने एक रिएक्शन बताई थी, तो उसमें ये जिंक का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, और इनको रिक्वायरमेंट एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए तो होता ही होता है, साथ ही साथ ही ऑक्सिन की सिंथेसिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन या फिर मैट्रिक्स, तो सी ऑप्शन आपका जो है इनर मेम्ब्रेन वो करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिएंटम बिलोंग्स टू द क्लास साइलोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड लाइकोप्सिडा, तो टेरोप्सिडा जो होगा बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो कैल्शियम आयन जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन आउट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रोल्स द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एक्टिंग एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स एक्टोमायोसिन ड्यू टू विच मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस, तो ये आपका आयन जो होता है इसके लिए इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, सेलेक्टेबल मार्कर, ओराइसाइड, आरओपी, रॉप एंड रिस्ट्रिक्शन साइट, तो सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वो आपके कह सकते हैं कि जो फीचर होता है वेक्टर का दैट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, क्योंकि यही कुछ ऐसे सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिनको कि वो आइडेंटिफाई करता है और उन्हीं के बेसिस पे वो रिकॉग्नाइज करता है, तो इसलिए दैट इज द करेक्ट आंसर, सेलेक्टेबल मार्कर इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैन नॉट कह रहा है ध्यान रखिएगा, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, आउट ऑफ पहला तो सही है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, तो ये भी सही है, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर्स एज सच एंड एफ टू जनरेशन, नहीं भाई, एंड फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, नहीं, ये तो सही है डी वाला आपका, सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, द थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड रनिंग फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, तो फर्स्ट आपका तो ट्रू है, जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल ऑफ द स्टेम, सेकेंड जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल, सही है ये भी, द फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज मेटाजाइलम, तो आपका क्या दो पहला बनता है जो जाइलम उसको क्या कहा जाता है, मेटाजाइलम कहा जाता है क्या, वो पहले वाले कोई मेटा में आ जाएगा वो, नहीं, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर मेनली फाउंड इन द लीव्स, नहीं भाई ये भी गलत है, तो थर्ड और फोर्थ आपके रॉन्ग है, पहले के दो गलत सही हैं, तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वाला कौन सा है, यस डी ऑप्शन, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू बट थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो वर्टिब्रेट हर्ट्स और ब्रेन्स, मार्सुपियल्स एंड डार्विन फिंचेस, स्वीट पोटैटो एंड फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो जो है बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटो रेडियोग्राफी, अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए और आरएनए प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड द क्लोन having the mutated gene will appear on the photographic film and the probe will not have complementarity with the mutated gene and more than one option is correct, तो statement is correct about autoradiography, तो यहाँ जो देखिए C वाला कह रहा है ना कि mutated gene जो है उसके साथ में अगर probe की complementarity होगी तो वो तो exactly वहीं जा कर के bind up कर जाएगा ना, तो ये option ही यहाँ पर जो है correct होना चाहिए, ये नहीं होता है actual में ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो डायग्राम दे रखा है, वेरी गुड, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द ओवरी एंड आइडेंटिफाई पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी एंड सी, ओके ए बी एंड सी, ये हमने एक डायग्राम वाला मैंने आपको क्वेश्चन था नॉर्मल उसमें मैंने आपको डायग्राम भी शो किया था ओवरी का,
तो जो बच्चे अभी तक मेरे बाकी के सोल्यूशन नहीं देखे उन्होंने एनटीए पेपर्स के, तो वो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे दिए हुए हैं सारे लिंक, और आप देख सकते हैं कि मैंने पहले कैसे सॉल्व कराए थे और ये पेपर मैं कैसे सॉल्व करा रही हूँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप वो भी बता सकते हैं, आपको कौन सा जो वे था वो बेटर लगा। अगर आपके ज़्यादा ज़्यादा वोट जिस पे आएंगे मैं वैसा ही पैटर्न फॉलो अप करूँगी आगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो आपका ए है वो एक्चुअल में बच्चों ग्राफियन फॉलिकल होता है, आपको दिख रहा है ना ए, और फिर उसके बाद में आपका जो बी है, बी क्या होता है बच्चों, दैट इज़ ओवम रिलीज हो रहा है ना, दैट इज़ ओवम। और जो सी है वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं। सी के देखिए दो डायग्राम दे रखे हैं, तो पहला हो गया ए ग्राफियन फॉलिकल एंड बी ओवम एंड सी कॉर्पस ल्यूटियम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लॉ स्टेट्स दैट ईच गैमिट हैज एन इक्वल चांस ऑफ पजेसिंग ईदर मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डोमिनेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सेग्रीगेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ नेक्स्ट वाला फिर से डायग्राम का है, ब्यूटीफुल डायग्राम। रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, आपको पूछ रहा है कि द गिवन फिगर शोज टीएस ऑफ, बताइए किसके टीएस है आपकी। आप लोगों ने अच्छे से एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी पढ़ी है या नहीं, जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता चल गया वो आंसर कि ये मोनोकॉट रूट का डायग्राम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन मेथड और नेशनल पार्क सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड हॉटस्पॉट, द नंबर ऑफ नेशनल पार्क एंड ए हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बी हो गया बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो आपका सी हो गया ऑफ इंडिया आर, नंबर पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में है वो है हमारे पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, तो बीच में यानी कि बी जो है सबसे ज़्यादा नंबर वाला होना चाहिए, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके अलावा हमारे पास जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 14 हैं, और जो हमारे पास में नेशनल पार्क हैं बच्चों वो 90 हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स, एंटर इट एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल, बी इज नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हेंस इट इज कॉल्ड द सी, At the posterior pole of the eye, lateral to the C, there is a yellowish pigmented spot called, यही yellowish pigmented spot ही हमें आंसर बताएगा अभी, with a central pit called the E, ये भी बताएगा आंसर। तो जो हमारा स्पॉट होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, दैट इज़ द एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट होता है, एंड तो सी पे हमारा ब्लाइंड स्पॉट आना चाहिए, और डी पे हमारा क्या आना चाहिए बच्चों, दैट इज़ पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया, यस मैकुला ल्यूटिया होगा। और उसके अलावा जो हमारा ई पे आएगा बच्चों दैट इज़ फोविया, तो मैकुला ल्यूटिया ब्लाइंड स्पॉट, मैकुला ल्यूटिया एंड फोविया। और स्टार्टिंग में हमारे पास में जो होती हैं दैट इज़ एक्चुअली ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ए में जो आप फिल करेंगे तो ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, और बी में हमारा आ जाएगा फोटो रिसेप्टर सेल्स आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वॉल प्रेशर व्हेन वाटर लीव्स द सेल, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, वाटर एंटर्स द सेल एंड सॉल्यूट गोज फ्रॉम द सेल इनटू वाटर, तो बी ऑप्शन होगा आपका यहाँ करेक्ट, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। आ गए हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफिल्स में फ्रॉम डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रॉबेली इज फाउंड इन, तो सिलाजिना एंड फ्यूकस एंड सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम एंड फ्यूकस एंड साइकस एंड पटेरिस एंड पॉलिसिफोनिया, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑर्गनली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन ऑफ रोटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन, यस क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइऑक्सिजोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस, तो ये काम किसका होता है बच्चों, गोल्जी अपैरेटस का होता है पैकेजिंग करने का। ओके, इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ पोस्टमैन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, दैट इज गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट जीवन स्टेट विच फिनोमेना टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे जीवन फेज में जो होता है द आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड, एपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द एपिनेफ्रिन इज करेक्ट आंसर हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ईकोलाई वर आइसोलेटेड. दे आर द एंजाइम्स दैट एड्स मिथाइल ग्रुप्स टू द बैक्टीरियल डीएनए, द एंजाइम दैट जॉइंस द क्लीव्ड डीएनए, द एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए, एंड मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. येस ऑफकोर्स मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इम्यून सिस्टम व्हेन वर्क्स अगेंस्ट सेल्फ सेल्स इट इज कॉल्ड. सेल्फ इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट होगा. दैट इज द, क्योंकि वर्किंग वर्क अगेंस्ट सेल्फ सेल्स, तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी. और इसका इलाज मैंने खुद अपनी आंखों से एक केस देखा हुआ है, मेरे नेबर में था. तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ आप कह सकते हैं, जो ये ऑटो इम्यूनिटी वाली आ जाती है. ओके, सो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इंसुलिन स्टिमुलेट्स सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन एंड ग्लाइकोजेनेसिस. फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है. इंसुलिन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस. ग्लूकागॉन इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. एंड थाइमोजिन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी. सी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट बच्चों आपका. ग्लूकागॉन इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिस्टमिक हर्ट रिफर्स टू द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम. लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, इंटायर हर्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स एंड बोथ द वेंट्रिकल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, दैट लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द सफिक्स आईडी इज यूज्ड. स्पीशीज इज फैमिली, क्लास जीनस. फैमिली में ही तो लगा होता है ना बच्चों ये आपके लास्ट में, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, जैसे हुमनिडी हो गया एंड फिलिडी हो गया, कैनिडी हो गया, तो ये आपका यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके 89 क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. एंड द फिगर्स बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ई कोलाई वेक्टर पीबीआर 322. कल भी था ये क्वेश्चन में. विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज इट्स सर्टेन कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, ओरी क्या होता है, ओरिजिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. नहीं भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये. एंड रॉप क्या है, रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. कहाँ है रॉप भाई, नहीं ये भी नहीं होता है. हिंट थर्ड क्या है, इको आर्वन सेलेक्टेबल मार्कर्स. एंड जो लास्ट में एमपीआर एंड टेट्रा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. यस, एक होता है जो एमपीआर दे रखा है आपको, दैट इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस. और जो टेट आर दे रखा है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. तो ये आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है. तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों. और हमारे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, बहुत कम टाइम लगा हमें इस तरीके से. तो ये क्विक रिवीजन होता है, क्योंकि अब तो आप लोगों को सिलेबस पूरा प्रिपेयर ही होगा, अब आप रिवीजन कर रहे होंगे. तो अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार आपके दिमाग में पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरह से घूम जाएगा और आपका एक रिवीजन हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिज़ार्डेल. इट इज़ डेवलप्ड थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग, इट इज़ अ हाइब्रिड ब्रीड, इट इज़ अ मिल्च ब्रीड एंड इट इज़ हाई वूल प्रोड्यूसिंग क्रॉस ब्रीड. तो दैट इज़ अ मिल्च ब्रीड बच्चों. हिज़ार्डेल पे कल भी एक क्वेश्चन था, जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा वो इसका आंसर समझ गए होंगे बच्चों. सो गाइज, आई होप कि आपकी वीडियो थोड़ी बहुत तो हेल्प आपकी इसने करी ही होगी, और इसलिए आप इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अब कंप्लीट आपके पेपर जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, उसमें जो बायोलॉजी का है पोर्शन वो सॉल्व करा रही हूँ. और मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं अराउंड 5 पेपर्स जो हैं उनमें आपको डायरेक्ट आंसर दे करके सीधे आपका पूरा का पूरा रिवीजन करा रही हूँ. तो 5 पेपर्स 90 क्वेश्चंस, यानी कि आपके 450 क्वेश्चंस होंगे उस पेपर में. और देखते हैं कि उसको करने में मुझे कितना टाइम लगेगा. ऑब्वियसली मैं उसके पार्ट में रिकॉर्डिंग करके रख रही हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा. क्योंकि वैसे ही मॉक टेस्ट पेपर्स में बहुत सारे लाने वाली हूँ, और मेरा जो मेन मोटो है वो आपको एग्जाम तक क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पे फोकस करना है. भले ही हम उसे एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम मैं आपको ना दे पाऊँ, लेकिन मैं आपको एक क्विक रिवीजन ज़रूर करा दूंगी पूरे के पूरे सिलेबस का. ओके, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन. और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. अगर आप पहले तरीके से चाहते हैं तो ये भी बताइएगा, या फिर इसी तरीके से चाहते हैं तो भी बताइएगा गाइज. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन वंस अगेन.
Stay tuned with Biomania and enjoy the knowledge. Bye-bye.